डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो स्टूडेंट्स को जनरली क्लियर ही नहीं होता कि यार मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्यों बनाया है, कैसे वो वर्क करता है। तो मैं आपको विद एग्जांपल सारी की सारी कहानी बताता हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसका कॉन्सेप्ट आया क्यों है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक प्रॉब्लम होती है रेस अराउंड कंडीशन की प्रॉब्लम, और वो चीज मैं ऑलरेडी बहुत ही अच्छे एग्जांपल से ऑलरेडी बता चुका हूं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इवन आपको ऊपर सजेस्टेड वीडियो मिल जाएगा, एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लें। देखो, हम रेमेडी की तरफ जा रहे हैं। रेमेडी मतलब ये उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, तो यार पहले प्रॉब्लम तो पता होनी चाहिए ना अच्छे से कि प्रॉब्लम है क्या। तो एक बार वो जरूर चेक करके आना ताकि आपको प्रॉब्लम के बारे में पता लग जाए। ऑल्दो मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से फिर बता देता हूं, एक हल्का सा ओवरव्यू। देखो, यहां पे हमारे पास जे और के की वैल्यू जब 1-1 होती है, क्या होती है, जब जे और के की वैल्यू हमारे पास 1-1 होती है, दोनों की वैल्यू जब हमारी 1-1 होती है, तब ये प्रॉब्लम जो है वन ऑफ द कंडीशन है, ये प्रॉब्लम अक्कर होती है। और कंडीशन इसके अलावा क्या है कि जो क्लॉक हम अप्लाई कर रहे हैं वो क्लॉक हमारी एज नहीं है, वो क्लॉक हमारी लेवल ट्रिगर्ड है। हो कोई भी सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी, लेकिन लेवल ट्रिगर्ड होनी चाहिए। और तीसरी चीज क्या होती है कि जो मैं लेवल दे रहा हूं यहां पे, जो मैं क्लॉक पल्स यहां पे दे रहा हूं, तो इस क्लॉक पल्स का ऑब्वियसली क्या है, ये पॉजिटिव लेवल है, ये नेगेटिव लेवल है। तो या तो पॉजिटिव लेवल पे ये ट्रिगर होगा या नेगेटिव लेवल पे, दोनों में से एक में। लेट्स से कि अगर ये पॉजिटिव लेवल पे ट्रिगर्ड है, तो इसकी जो ये विड्थ है, इसका जो ये ड्यूरेशन है ना, ये ड्यूरेशन ज्यादा बड़ा है, और ये जो इसकी प्रोसेसिंग का टाइम है, मतलब ये जो प्रोसेस कर रहा है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये जो डिले ले रहा है, ये डिले बहुत कम है एज कंपेयर टू दिस। तो उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से ये होता है कि जब जे और के की वैल्यू 1-1 है, तो मेरी वैल्यू जो है, ऑब्वियसली जे और के जो है जब 1-1 है, तो ये क्या करता है, टॉगल करता है। तो टॉगल मतलब कि क्यू एन जो भी मेरी प्रेजेंट में, अभी एट प्रेजेंट जो भी मेरी वैल्यू थी, लेट्स से कि मेरी अभी प्रेजेंट में वैल्यू जीरो थी, मतलब लेट्स से वैल्यू जो है वो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे जीरो, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होएगी ना, वो वैल्यू क्या है मेरी जीरो, और वो वहां से फीडबैक होके मेरे पास आ चुकी है। तो इसने क्या करना है, उसको टॉगल कर देना। ऑलरेडी पता है 1-1 पे क्या करता है, टॉगल करता है। तो टॉगल का मतलब क्या है, ऑलरेडी मेरी जो प्रेजेंट आउटपुट थी वो क्या थी, जीरो, तो इसने उसको टॉगल कर दिया, मतलब उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, अप कर दिया, 1 कर दिया। 1 तो कर दिया, अच्छी बात है, टॉगल करना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि ये 1 तो यहां पे कर दिया, ये टॉगल तो कर दिया, ये जो टॉगल हुई, जो भी वैल्यू थी 0 उसको 1 में टॉगल कर दिया, चेंज कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि ये जो 1 यहां पे आया, ये दोबारा से, क्योंकि कनेक्टेड तो अभी है ही, हमने कौन सा डिस्कनेक्ट किया, तो ये 1 मेरा ऑलरेडी यहां पे अवेलेबल है, और यहां पे ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री होती है 0, तो ये 0 मेरा यहां पे अवेलेबल है, 1-1 ऑलरेडी चल ही रहा है। और ये जो क्लॉक है, ये क्लॉक का जो ये टाइम पीरियड है, ये बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा मतलब घंटों में नहीं है, बट कंपेरेटिव अगर हम बात करें, ये प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा है, तो प्रोसेसिंग टाइम मेरा कम था, ये वैल्यू मेरी ज्यादा है, तो होगा क्या कि मेरा दोबारा से फिर टॉगल हो जाएगा, मतलब वैल्यूज ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है और क्लॉक मेरी अभी भी एक्टिव है, क्योंकि लेवल बड़ा है, लेवल की वैल्यू ज्यादा बड़ी है, तो तुरंत ये एक बार फिर इसने क्या कर दिया, टॉगल कर दिया, मतलब एक ही क्लॉक पल्स के अंदर वैल्यू को दोबारा से फिर टॉगल कर दिया, अभी भी नहीं रुका, अभी भी लेट से मेरे पास क्या है, ये वैल्यू अभी भी खत्म नहीं हुई, जल्दी से मेरा आउटपुट आ गया, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 0 मेरा यहां पे अवेलेबल हो गया, ये 1 मेरा यहां पे अवेलेबल हो गया, तो वैल्यूज मेरी ऑलरेडी अवेलेबल, क्लॉक अभी भी एक्टिव है, तो इसने दोबारा फिर क्या कर दिया, टॉगल कर दिया। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये प्रॉब्लम क्या है, आपकी रेस अराउंड कंडीशन। हम पता ही नहीं लगा रहे कि मैं कह रहा हूं जे और के जब 1-1 होते हैं तो टॉगल करता है, टॉगल मतलब कि जो भी प्रेजेंट में मेरी आउटपुट थी उसको चेंज कर देगा, उसका बार कर देगा, जैसे प्रेजेंट में अगर क्यू एन थी तो उसका बार, 0 थी तो 1 कर दिया, 1 थी तो 0, लेकिन यहां 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, हमें पता ही नहीं लग रहा कि एग्जैक्ट आउटपुट क्या है। तो इस चीज को रोकना है, इस चीज को रोकना है, तब जाके मास्टर स्लेव आया। तो मास्टर स्लेव कहता, मतलब मास्टर स्लेव से पहले लोगों ने बोला कि ऐसे करो ना कि यार ये जो फीडबैक है,
ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि ये फीडबैक की वजह से तुरंत मेरी यहाँ पे आउटपुट जो है वो एज ए इनपुट यहाँ पे रेडी हो जाती है। तो ये फीडबैक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि बार बार फीडबैक, आप इसको हटा दो। अरे यार, अगर फीडबैक ही हटा दी तो ये तो SR फ्री फ्लो बन जाएगा, फिर JK तो रहा ही नहीं, तो हमें ये फीडबैक तो नहीं हटानी। हमें इस फीडबैक को क्या करना है, एक तरह से कंट्रोल करना है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या आया, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। या फिर कईयों ने ये भी बोला कि सर लेवल की जगह आप एज ट्रिगर यूज कर लो। ठीक है, आप एज ट्रिगर यूज करते हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट लेवल ट्रिगर के केस में क्या सोल्यूशन है। तो लेवल ट्रिगर अगर मैं यूज कर रहा हूं और JK यूज कर रहा हूं, मास्टर स्लेव को यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज टॉगल होता रहेगा। तो मास्टर स्लेव क्या कहता है कि मैं यहाँ पे मास्टर और एक स्लेव, मतलब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ये मेरा J था, ये मेरा K, और यहाँ पे हमने ये वाला जो पहला था इसको तो हमने एज इट इज कनेक्ट कर दिया, इसको तो हमने एज इट इज डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरी जो ये फीडबैक इधर जा रही थी और ये फीडबैक इधर जा रही थी, अब हम दूसरा एक और फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे ले आए और इसकी जो आउटपुट यहाँ पे आ रही है ना, ये मेरी कहां जा रही है, ये मेरी जा रही है इसकी फीडबैक में, इसकी इनपुट में। ठीक है, और यहां पे लेट्स से मैं कलर यहां पे चेंज कर देता हूं। लेट्स से मेरी ये जो यहां पे इनपुट आ रही है, ये वाली जो मेरी है वैल्यू, ये मेरी यहां पे घूम के किस में जा रही है, इसमें एज ए फीडबैक जा रही है। समझ गए, पिछले वाले डायग्राम से कंपेयर आई थिंक अब आप कर सकते हो। ये वाली मेरी कहां पे जा रही थी, घूम के यहां, और ये वाली मेरी घूम के यहां, लेकिन अब मैंने एक और फ्लिप फ्लॉप एक्स्ट्रा ऐड कर दिया और उसमें क्या कर दिया आपने, इस तरीके से फीडबैक जो है वो दे दी। ठीक है, तो मेरा यहां पे JK का कॉन्सेप्ट तो आ गया, लेकिन अभी क्लॉक नहीं आई। तो क्लॉक के लिए हमने क्या करना है, क्लॉक के लिए हमने यहां पे इस तरीके से, ये मेरा यहां पे क्लॉक है और इसको हमने क्या करना है, ये देखो जी, ये मेरा क्लॉक है। अब इस क्लॉक के लिए हमने क्या करना है, वही हमने अभी भी लेवल ही यूज कर रहे हैं, हमने एज नहीं यूज किया। एज करते हो तो बात ही खत्म है, लेकिन लेवल अगर यूज कर रहे हैं तो फिर हमें मास्टर स्लेव को यूज करना है। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, इसको इस तरीके से नॉट गेट यहां पे लगा दिया। क्या लगा दिया, नॉट गेट यहां पे लगा दिया, और नॉट गेट से यहां पे मतलब जो मेरी ये जो क्लॉक आ रही है, ये क्लॉक मेरी यहां पे तो डायरेक्ट है, लेकिन यहां पे इन्वर्टेड करके लगा दी। अब इसका रीजन क्या है, जब ये एक्टिव होगा तो ये पैसिव होगा, जब ये पैसिव होगा तो ये एक्टिव होगा, और ये मेरी यूनिट क्या है, इतनी मास्टर, ये मेरी यूनिट क्या है, स्लेव है। अब देखो जी, बाकी की कहानी सेम है, सिर्फ पूरी वीडियो का एक ही फंडा है कि ये जो फीडबैक है ना, इस फीडबैक को कंट्रोल करना है बस, ताकि बार बार टॉगल ना करे। लो जी, जी और के की वैल्यू अभी भी वन है, वही मेरा लेवल ट्रिगर्ड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब लेट से मैंने यहाँ पे क्लॉक की वैल्यू क्या दे दी, हाई कर दी, मतलब वन कर दी, तो मेरा एक्टिव रहेगा ये वाला पोर्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वन है, एक्टिव है, तो ये मेरा नॉट गेट क्या कर देता है, उल्टा कर देता है, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे डीएक्टिवेट कर देगा इस पोर्शन को। लेट से ये मेरी आउटपुट है QM मास्टर की ले लो, ये मेरी आउटपुट है क्यू। तो अब देखो जी क्या कहानी हुई, जैसे ही मैंने यहां पे अप की, मतलब लेवल जो मेरा अप हुआ, यहां पे देखो जी लेवल मेरा क्या हुआ, अप, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मेरा यहां पे लेवल हाई गई, यहां पे क्लॉक जैसे ही हाई मिली, ये एक्टिवेट हो गया, और इसने एक्टिवेट होके क्या किया, लेट्स से QM की वैल्यू इनिशियली जो थी वो क्या थी, आपकी जीरो थी। ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेट से स्टार्टिंग में क्या थी वो वैल्यू जीरो थी, तो इसने क्या कर देना, उसको अप कर देना। क्या कर देना, उसको अप कर देना, और अप करने के बाद, अप करने के बाद ये चीज का कोई रोल है नहीं, कोई रोल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे जो वैल्यू थी वो एज इट इज रहेगी। कहने का मतलब क्या है, जब J की वैल्यू 1, K की वैल्यू 1, और यहां पे जब मेरा QM एक्टिव है, जब QM एक्टिव है तो मेरा Q है वो इनएक्टिव है। ठीक है, तो ये इनएक्टिव है, तो इस फीडबैक को हमने कंट्रोल कर दिया। इसने तो टॉगल कर दिया, बट इसने काम ही नहीं करना, तो इसने अपना काम नहीं करना, तो यानी एक बार ही मेरा चेंज होगा, एक बार ही चेंज हुआ, तो इसने क्या कर देना, यहां तक जब तक मेरे को नेक्स्ट अप नहीं मिलता, क्योंकि ये अप पे काम कर रहा है ना, QM जो है वो अप पे काम कर रहा है, तो अप जब तक नेक्स्ट नहीं मिलता, तो यहां पे मेरा एज इट इज वही वैल्यू चलती रहेगी। एक बार ही चेंज हुआ, जैसे ही नेक्स्ट अप मिल गया, इसने जो है वो वैल्यू को फिर टॉगल कर दिया। वन चल रही थी तो टॉगल करके जीरो, तो जीरो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती, जब तक मेरे को नेक्स्ट अप नहीं मिलता। जैसे ही नेक्स्ट मेरे को ट्रिगर मिल गया, मैंने दोबारा फिर टॉगल कर दी, चलती रहो चलती रहो, जैसे ही मेरा नेक्स्ट जो है वो ट्रिगर यहां पे मिल गया, मतलब अप मिल गया, तो मैंने वैल्यू को फिर टॉगल कर दिया। तो इस तरीके से ये वर्क करता रहेगा। तो एक बार ही चेंज हुआ, एक बार ही चेंज हुआ। और अगर बात करें क्यू की,
तो क्यू मतलब इसकी जो आउटपुट है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब ये अप था तो ये क्या था, डाउन था। मतलब जब ये पॉजिटिव पे चल रहा है तो ये नेगेटिव पे चल रहा है, सिंपल सी बात है। ये जो भी मेरा इनिशियल वैल्यू थी, जो भी मेरी क्यू की इनिशियल वैल्यू थी, जीरो लेट से जीरो लेके चलते हैं, तो इनिशियली अगर मेरी जीरो थी तो जैसे ही मेरा पॉजिटिव आया, जैसे ही ये वन आया, तो ये तो मेरा वर्क करेगा बट ये काम ही नहीं करेगा। काम नहीं करेगा तो इसको एज इट इज चला दो, खींच दो इसको, क्योंकि ये काम ही नहीं कर रहा ना। ये मैं इसके आउटपुट लिख रहा हूं तो ये काम ही नहीं कर रहा। जैसे ही मेरी वन मिली, वन मिलते ही ये काम करेगा, ये नहीं करेगा। तो ये काम कर रहा है तो ये देखो जी काम करवा दिया। लेकिन अब ये कब काम करेगा, जब मेरी नेगेटिव मिलेगी। नेगेटिव जैसे ही मिला तो इसने क्या कर दिया, ट्रिगर कर दिया। जो भी वैल्यू थी इनिशियली, लेट्स से क्यू की वैल्यू जीरो थी तो ट्रिगर कर दिया, ट्रिगर कर दिया तो लो जी टॉगल हो गई। तो टॉगल होगी ये, यहां पे टॉगल हुई तो ये टॉगल होने के बाद चलती रहेगी, चलती रहेगी जब तक इसको नेक्स्ट नेगेटिव नहीं मिलता, क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव पे चल रहा है। तो नेगेटिव जैसे ही मिला इसने तुरंत इसको क्या कर दिया, डाउन कर दिया, फिर कर दिया। उसके बाद फिर चलता रहेगा जब तक इसको नेक्स्ट डाउन नहीं मिलता। लो जी नेक्स्ट मिल गया, इसने फिर तुरंत टॉगल कर दिया और इस तरीके से जो है ये वर्क करता रहेगा। तो देखो एक बार में आपकी एक वैल्यू ही क्या हो रही है, चेंज हो रही है, दूसरी एज ए मेमोरी स्टोर रह रही है। जो भी था वो स्टोर रहेगा, वो वर्क पे नहीं करेगा। और ये जो फीडबैक बार बार आ रही थी और वो ट्रिगर हो रही थी, उसको हमने क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया। तो एक तरह से डिले ही लेके आ रहे हैं, हमने किया क्या, डिले ही लेके आए हैं ताकि ये फीडबैक बार बार जाके और इसको ट्रिगर ना करे। सो दिस इज हाउ एक्चुअली द मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप वर्क्स। थैंक यू।